यूपी के अमरोहा में दिल को दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां आदमपुर थाना क्षेत्र में एक युवक ने 12 वर्षीय मासूम बच्ची के हाथ पैर बांधकर उसकी जमकर पिटाई की है और उसे जान से मारने की नीयत से जंगलों में ले गया। बच्चे की चीख पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद बच्चे के पिता की तहरीर पर आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया गया है। बता दें कि मामला आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव सैदरा का है। गांव के ही एक दामाद ने अपने साले की 13 वर्षीय बेटी व बेटे के हाथ पैर बांधकर उनकी जमकर पिटाई की है, जिसकी वीडियो गांव के ही युवक ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। आरोपी युवक ने बच्चों को हैवानियत की तरह रस्सी से बांधकर पीटा तो और जान से मारने की नियत से बच्चों को जंगल में ले गया, जिसकी चीख पुकार सुनने के बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद बच्चे के पिता की तहरीर पर आरोपी रिश्तेदार के खिलाफ पुलिस ने कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है। अमरोहा से संवाददाता मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? विनीत त्यागी, फ्रॉम सैदरा। जो आपके बच्चों के साथ ये घटना हुई है तो कैसे कैसे हुई है? ये योदित त्यागी हैं, हमारे बहनों लगते हैं, चचेरे चचेरे बहन घर वाले चंदपुरा से हैं। ये बच्चों को बेला फिसला कर ले आए धवारसी बहाने से और हमें सूचना मिली थाने से, यहाँ ढैकला के जंगल में पाए गए, वहाँ चीख पुकार हुई, मारने के इरादे से ले गए थे। उन्होंने 112 को फ़ोन किया और जब हम यहाँ थाने आए और कौन कार्रवाई हुई। जी सर, वो ये जो मामला था क्या था? पूरा मामला आदमपुर क्षेत्र का सैद नगली थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने आदमपुर में तहरीर दिया कि उसके दामाद ने उसकी इच्छा के खिलाफ उसके 14 वर्षीय पुत्री और 12 वर्षीय पुत्र को ढेकला में ले आकर पुत्री को हाथ पैर बांधकर जान से मारने का प्रयास किया। इस तहरीर पर 364, 307, 504, 506 IPC का अपराध पंजीकृत कर लिया गया है। JBD बैंकवेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंकवेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंकवेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।